हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नगमास टेस्टी डिशेस। आज हम आपको पैन फ्राई कीमा बनाना सिखाएंगे। ये देखिए, हमने कुकर में आधा किलो कीमा लिया है और उसमें हमने प्याज और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ अ टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, ये सब मिला दिया है। सबको मिक्स करना है और कुकर में हमने 2 टेबलस्पून दही भी डाला है और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून करी पाउडर। ये करी पाउडर डाल के हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 1 टीस्पून सॉल्ट भी डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट और रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इस कीमे को हम 1 कप पानी डाल के इसे 1 विसिल और 10 मिनट के लिए सिम में रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, पानी के साथ हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे कुकर का कवर लगाकर हम इसे 1 विसिल और 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब दूसरे पैन में हमने तेल लिया है जिसमें हमने पोटैटोज को स्लाइस किया हुआ था, साथ में 1 बड़े स्लाइस किया हुआ प्याज, 1 स्लाइस किया हुआ टमाटर और 3-4 हरी मिर्च। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। पाउडर आलू को हमने पहले से ही फ्राई कर लिया था। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाला था और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया पाउडर डाला है। देखिए व्यूअर्स, कीमा गल चुका है। अब हम कीमा को पैन में निकाल दिए हैं। पैन में निकाल के वो सारा आलू, टमाटर और प्याज के साथ इसे मिक्स करना है। इसको अच्छे से सबको मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ये और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू को आप पहले से अलग से फ्राई कर लीजिएगा तो वो और भी डिलीशियस होगा। ये हमने 1 टीस्पून चाट पाउडर डाला है, चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला और इसे मिक्स कर दिया अच्छे से। और इसे तब तक फ्राई पैन में फ्राई करना है जब तक इसका पूरा पानी ना ड्राई हो जाए। थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो।